नमस्ते। हिंदी के इस पाठ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब तक तो आप जान गए होंगे कि सड़कों पर सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है ना? तो आइए अब प्रस्तुत पाठ में यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो आइए सुनते हैं एक साथ कि सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हो सकते हैं। आपने यह कविता बचपन में जरूर सुनी होगी। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर चलना, बीच सड़क में कभी ना आना, आओगे तो पछताओगे, चोट लगेगी गिर जाओगे। अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने प्राथमिक पाठशाला में सड़क पार करने का तरीका सीखा था। अब जब तुम सड़क पार करते हो तो पहले दाएं, फिर बाएं और फिर से दाएं देखकर ही सड़क पार करते हो। जब कोई चालक तेजी से वाहन चलाता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सड़क पर जगह जगह यातायात निर्देश लगे होते हैं, उन्हें ध्यान से समझना चाहिए तथा उन निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। कुछ लोग शराब के नशे में जब गाड़ी चलाते हैं तो वे नियमों तथा निर्देशों को अनदेखा करते हैं। वे न केवल अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं वरन दूसरों को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। इनके कारण निर्दोष व्यक्ति भी जान गंवा बैठते हैं। लापरवाह चालकों के कारण सड़कों पर कई अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। हम समाचारों में जब ऐसी सूचनाएं सुनते हैं तो अनाथ बच्चों एवं बेसहारा परिवारों की दुख भरी कहानियां आंखों के सामने सजीव हो जाती हैं। सभी चालकों को ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों को सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सड़क पर गाड़ी के लिए बने गति निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ बच्चों, सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस या चालक की ही नहीं है, वरन हम पैदल चलने वालों की भी है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाएं देश में कम हो पाएंगी। हाँ बच्चों, आपने बहुत सही सुना। सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस या चालक की ही नहीं है, बल्कि हम पैदल चलने वालों की भी है। इसीलिए फ्रेंच भाषा में कहते हैं एनम अवेची ऑन वो दे। सावधानी बरतते रहिए और साथ ही पाठ में आए कठिन शब्दों और मुहावरों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। पटरी, पैदल चलने वालों के लिए सड़क के किनारे बनी राह। तरीका, उपाय, चालक, चलाने वाला। वाहन, यातायात का कोई साधन। निर्देश, आज्ञा।
अनदेखा, उपेक्षा, हानि, नुकसान, निर्दोष, बिना दोष के, लापरवाह, ध्यान न देने वाला, अप्रिय, बुरी घटना, कोई स्थिति पैदा होना, जान गंवाना, मृत्यु हो जाना, अनाथ, जिसके माता पिता न हो, जिंदगी से खिलवाड़ करना, खतरों से खेलना। दोस्तों, इन कठिन शब्दों को केवल उनके अर्थों तक ही सीमित नहीं रखना है, अपितु इन्हें लिखते समय अपने वाक्यों और निबंधों में और अपने बोलचाल की भाषा में इनका खूब प्रयोग करना है, तभी आपका शब्द भंडार समृद्ध बनेगा, यानी आपकी वोकैबुलरी और भी सुदृढ़ होगी। सो आइए पाठ में आए कुछ शब्दों के विलोम शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। निर्दोष, दोषी, लापरवाह, जिम्मेदार, लंबा, नाटा, चौड़ा, संकरा, चलना, रुकना, गिरना, उठना, बड़ा, छोटा, दायां, बायां, तेज, धीरे, सावधानी, असावधानी, कम, ज्यादा, हानि, लाभ। प्रिय छात्रगण, व्याकरण यानी ग्रामर के ज्ञान के बिना भाषा सुंदर नहीं बन सकती, इसलिए व्याकरण के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। आइए इन शब्दों में उपसर्ग यानी प्रेफिक्स तथा प्रत्यय यानी सफिक्स की पहचान करने का प्रयास करते हैं। मूल शब्द है हमारे पास प्रिय, उसमें अ उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द मिला अप्रिय। इसी प्रकार मूल शब्द नाथ के साथ अ उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनता है अनाथ। सहारा मूल शब्द है, बे उपसर्ग लगाया तो शब्द बना बेसहारा। जीव के साथ स उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है सजीव। मूल शब्द के आगे अन लगा देने से बनता है अनमोल। मूल शब्द है सफल और प्रत्यय है ता, इन दोनों को जोड़ने से नया शब्द बना सफलता। इक भी प्रत्यय के रूप में आता है, मूल शब्द यहां पर है प्रथम और इसके साथ इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है प्राथमिक। देखिए दुकान शब्द के साथ दार प्रत्यय लगाने से दुकानदार बना। बुरा मूल शब्द के साथ ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है बुराई। और फल मूल शब्द के साथ वाला प्रत्यय लगाने से बना फल वाला। तो बच्चों, हमें पूरी आशा है कि अब आप समझ पाए होंगे कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अंग्रेजी में इसे प्रेफिक्स कहते हैं। और शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफिक्स कहते हैं। अब आप स्वयं मूल शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना सकेंगे तथा उनका उचित प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।